मैं क्या कर रही हूँ, क्या कहेंगे, क्या कहूँगी? वेल, मुझे जब तलत जी ने फ़ोन किया और इनवाइट किया इस फंक्शन के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज मुझे गज़लों का बहुत शौक है, सुनने का भी बहुत शौक है, और तलत जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी गज़लें मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ. तो आई मेड इट अ पॉइंट, मैंने आई वॉन्टेड टू बी श्योर कि मैं यहाँ आऊँ और सुनूँ ये प्रोग्राम. मुझे बहुत शौक है गज़लों का, बहुत ज़्यादा शौक है. सोनू जी भी उनके साथ, सोनू का क्या, जो सोनू की आवाज़ बहुत सूट करेगी मुझे लगता है गज़लों में, क्योंकि वो उनका स्टाइल है गाने का, वो खटके वटके इतने गले में कि वो गज़ल के लिए परफेक्ट है उनकी वॉइस, और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह बखूबी निभाएंगे वो गज़ल. उसके अलावा वो कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए भी मशहूर है, तो आपको बिल्कुल 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 मुझे लगता है आज बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त शो होने वाला है, बहुत बहुत अच्छी बेहतरीन गज़लें आज सुनने को मिलेंगी. तलत जी की अगर गायकी की बात की जाए तो सबसे खास बात आपको, तलत जी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और उनकी जो गज़लें होती हैं वो बहुत ही ऊँचे दर्जे की होती हैं. आपको क्या लगता है कि फिल्मों में गज़लों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है? देखिए, हर चीज़ फिल्मों से कनेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, गज़ल अपने आप में एक अलग जॉनर है म्यूज़िक का, और फिल्म का म्यूज़िक होता है, सिचुएशनल सॉन्ग्स होते हैं फिल्म के हिसाब से, गज़लों का अपना एक रंग होता है. बल्कि गज़लों में मैं कहूँगी कि आज का जो दौर चल रहा है इस म्यूज़िक का, फिल्मों के म्यूज़िक में कुछ मुझे तो दम नहीं लगता है. गज़लों में कम से कम कुछ गायकी होती है, कुछ अच्छे लिरिक्स होते हैं, कुछ ठोस मेलोडी होती है, तो जो 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 रिचनेस गज़लों में है, मतलब म्यूज़िक और मेलोडी की जो रिचनेस है गज़लों में,